पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। इसी हफ्ते लग सकता है प्रतिबंध। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पीएफआई पर आतंकवादी वारदातों में शामिल होने के लगातार आरोप लग रहे हैं और 22 सितंबर को सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में एक साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑल इंडिया रेड की थी। पीएफआई के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पीएफआई पर प्रतिबंध लग सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि इसी हफ्ते पीएफआई को बैन किया जा सकता है। तो पीएफआई छापेमारी पर इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। देश भर से अब तक 247 लोग पकड़े जा चुके हैं। दिल्ली से पीएफआई के 32 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। असम से पीएफआई के 22 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र से डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। 15 लोग पकड़े गए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ा अपडेट पीएफआई से जुड़ा इस वक्त का आपको बता रहे हैं किस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों से पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी हो रही है। तो अब तक देश भर से कुल 247 लोग पकड़े जा चुके हैं। दिल्ली से 32, असम से 22, महाराष्ट्र से 15 और एमपी से 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये तस्वीरें देखिए जो अलग अलग जगहों पर पीएफआई के खिलाफ रेड हुई है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पीएफआई के खिलाफ ये बड़ा एक्शन, अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए किस तरीके से पीएफआई के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की ये बड़ी स्ट्राइक हुई है। कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, असम हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह पर पीएफआई के खिलाफ ये बड़ा एक्शन जारी है। और जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, सबसे बड़ा और अहम सवाल इस वक्त का यही है कि क्या इस हफ्ते पीएफआई बैन हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल बैन होने के बिल्कुल कगार पर है क्योंकि सरकार को इस बारे में फैसला करना है। जो एजेंसीज हैं आईबी या एनआईए या आरएनडब्ल्यू जैसे एजेंसीज हैं वो पीएफआई पर पीएफआई को लेकर के उनका खास व्यू है कि जिस तरीके से उनके कार्य और देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे हो रहे हैं, खतरे बन रहे हैं, आतंकी गतिविधियों में इनके लोग पकड़े जा रहे हैं, ऐसे में इस संगठन को बैन किया जाना चाहिए। अब गृह मंत्रालय इस पर लेकर के कॉल लेगा। हालांकि पहले भी यूपी जैसे स्टेट्स, अगर आप देखें कर्नाटक जैसे स्टेट, उन्होंने डिमांड ये रखी थी कि इसको बैन लगाया जाए। तो ऐसा लगता है कि एक मिनट के लिए यहां रोकूंगी। इस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं अपने दर्शकों को वो सुना देते हैं। Look, this is a mass operation. Today in Assam, we have picked up 24 PFI people, but this operation will be intensified. तो असम के सीएम की बात आपने सुनी मनीष। यहां पर साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि अभी तक जितने लोगों को पकड़ा जा चुका है ये ऑपरेशन इंटेंसिफाई होगा, यानी इस ऑपरेशन को और व्यापक स्तर पर अब अंजाम दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सरकार मोड बना चुकी है कि पीएफआई की गतिविधियों पर अब लगाम लगाना होगा क्योंकि पिछले कुछ महीनों में लगातार जिनके कार्डर पकड़े गए, कहीं जूडो कराटे ट्रेनिंग चल रही थी, कहीं पर वो एक विजन डॉक्यूमेंट मिला था कि कैसे भारत के कई स्टेट्स को मुस्लिम स्टेट्स में कन्वर्ट करना है। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो पीएफआई के कई कार्डर आतंकी गतिविधियों में शामिल पाए गए। पीएफआई पर हो रही रेड को लेकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एक बैठक करने वाले हैं, उससे जुड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ये अहम बैठक होने वाली है पीएफआई रेट पर। अब से थोड़ी ही देर के बाद ये बैठक होगी। तो दिल्ली में भी पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अब एक बैठक करने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद ही ये बैठक शुरू होगी। पीएफआई के शाहीन बाग दफ्तर पर भी रेट पड़ी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर की इस बैठक पर अब हर किसी की नजर रहेगी। तो पीएफआई को लेकर एक्शन देश के अलग अलग राज्यों में तेज हो रहा है और बहुत मुमकिन है कि जल्द ही पीएफआई को प्रतिबंध कर दिया जाए, प्रतिबंधित संगठन हो जाएगा पीएफआई।
डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।